यहाँ पे किसानों की जो समस्या है वो तीन जो कानून भारत सरकार ने MSP पे कानून बदल समस्याएं खत्म हो, बहुत से और कानून बनने जा रहे हैं उन सबको रोकने के लिए। ये सारे MSP का बड़ा सवाल है, कानून बनना चाहिए और पूरे देश का सवाल है। यहाँ पे भी लोगों को जुड़ेंगे, यहाँ पे भी फसलों के रेट कम रहते हैं, नारियल का रेट, सुपारी एम के भी रेट कम रहते हैं, सारे इशू हैं। भारत सरकार बातचीत करेंगे और MSP का एक बड़ा सवाल है, उनके सबके रेट जो भारत सरकार ने तय करी उस पर सही है। और जो तीन कानून आए हैं अभी तक चार महीने चले गए, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांस कुछ भी नहीं है। अब क्या आगे क्या आगे तो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, किसान है और जगह भी आंदोलन बहुत जगह चले गए, और जब तक भारत सरकार बात नहीं मानने की आंदोलन चलते रहे। पहले दिल्ली में चल रहे हैं, ऑल इंडिया में उतना क्या रेस्पॉन्स नहीं है, रेस्पॉन्स है सब जगह इफेक्टिव हो जाएगा। कर्नाटक में भी होगा शुरू, कल मीटिंग करेंगे और यहाँ पे भी शुरू होगा। सर जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हो रही है, केरला हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, अभी कर्नाटक में भी इलेक्शन हो रही है, वहीं पर शिकायत जाते हैं और वहीं पर गुजरात में भी जाएंगे हम तो, गुजरात में जा रहे हैं। आपका ज़्यादा ज़्यादा जो ध्यान है वो जहाँ पर चुनाव हो रही है, मध्य प्रदेश भी आ रहे हैं, उड़ीसा भी आ रहे हैं, गुजरात भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी आ रहे हैं। बाई इलेक्शन तो ये तो रूटीन का वो है, रूटीन का होती है। सर आपकी एक मांग है जो APMCM को वहीं पर देखी हो वहीं सिस्टम पर रखी जाए। हाल ही में कर्नाटक में किसान ने जो अपनी फसल की टमाटो को उसको लेकर APMC में लेके गया था तो उसको सिर्फ 10 रुपये मिली थी पूरे फसल पर। तो इस तरह के जो न्यूनता है APMC एक्ट में उसके खिलाफ क्यों आप आवाज़ नहीं उठाते? नहीं नहीं, हम तो सभी की आवाज़ आपको अभी जिगर साहब ने बताया ना, हमारी मांग है कि जितनी भी फसलें हैं, कोई भी फसल जो किसान पैदा करता है उस पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक होना चाहिए, और खाली डिक्लेयर करने से कुछ नहीं है, उस पर खरीद होनी चाहिए। खाली MSP डिक्लेयर करते हैं वो भी 23 फसलों की करते हैं, क्यों नहीं तमाम फसलों की करते हैं। हर फसल पे, सब्जी पे, फल पे एक न्यूनतम कीमत तय होनी चाहिए और उसमें खरीद की गारंटी होनी चाहिए, मार्केट में कोई भी उससे कम खरीद नहीं। जो आपने सवाल किया डिमांड पर 10 रुपये मिले, वही लड़ाई हमारी है, क्यों मिले 10 रुपये? क्योंकि सरकार ने आज तक कोई नियम और कानून नहीं बनाया, कोई उसकी न्यूनतम कीमत तय नहीं की है, वही लड़ाई लड़ रहे हैं, वही किसान को समझाने के लिए कर्नाटक में आए हैं और हम पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा चुनाव तो पूरे साल कहीं ना कहीं चलता रहेगा, कहीं रूटीन के चुनाव होंगे, कहीं बाई इलेक्शन होंगे, तो उसके भरोसे तो हम घर से निकल ही नहीं सकते। हमको उससे लेना देना नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, हमारा तो ये है कि किसान का जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, जो उसकी कीमतें नहीं मिल रही हैं, उसकी मेहनत का मेहनताना उसको नहीं मिल रहा, और किसान को नहीं मिलेगा तो मजदूर को नहीं मिलेगा, क्योंकि मजदूर और किसान जुड़े हैं आपस में, दोनों की ये लड़ाई संयुक्त लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए हम निकले हैं देश भर में, और ये क्रांति है, छोटा कोई मामूली आंदोलन नहीं, पूरे देश का किसान इसमें साथ है। कहीं जागरूकता पहले आ गई, कहीं आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, कर्नाटक का किसान भी पूरी तरह से जागरूक है, देखना आपको सुन के बाद कर्नाटक का किसान किस तरह से इस आंदोलन को लेकर खड़ा होगा, बेंगलोर ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आप पर भड़काऊ भाषण देने के केस कर्नाटक में किया गया, हाँ तो केस तो ओपन ही है, भड़काऊ भाषण हमने तो कुछ कहा, ट्रैक्टर का नाम लिया, बैरिकेड तो बैरिकेडिंग तो अगर रोको तो तोड़ने पड़ेंगे, वे मत रोक लो तो नहीं दिखता, ये तो कानून को हाथ में लेने वाली ना ना कानून को हाथ में, वो फसल बेचने किसान जाएगा उसकी फसल खरीद लेना, तो कानून तो हाथ में सरकार है। हमने कहा कि कानून को तोड़ो, हमने कहा कि MSP पे फसल बेचो और उससे कम पे कोई खरीद करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन रोकता है तो पुलिस प्रशासन खरीद लो, और प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर कहीं भी बेच लो तो विधानसभा को बढ़िया रेट मिला, कर्नाटक विधानसभा को तो वहाँ पर बेचेगा किसान, वहाँ कोई दिक्कत है बेचने, तो आप किसानों को विधानसभा, हाँ विधानसभा पर बेचेंगे, क्योंकि मैंने तो करा नहीं प्रधानमंत्री ने, उन्होंने ये कहा कि APMC के बाहर मंडी के बाहर आप देश में कहीं पर भी बेच सकते हो, तो हमको तो ये लगता है कि विधानसभा को अच्छा रेट मिला।
लिए कहा हमने, और ट्रैक्टर से ले जाने के लिए कहा, क्योंकि ट्रैक्टर किसान का वो है, बैठते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।